अक्सर ना कई बार सिचुएशंस इतनी नेगेटिव हो जाती है कि कोई हमसे पॉजिटिव बात करने की कोशिश करता है ना, या फिर कोई पॉजिटिव चीज़ भी होती है ना, हमें वो पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। हमें सिर्फ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, नेगेटिव चीज़ें, या फिर हमें पॉजिटिव चीज़ों से भी ना नेगेटिव वाइब आ रही होती है। क्या उस टाइम में थोड़ा सा ब्रेक लो अपने आप से, अपनी लाइफ से। मैं मानती हूँ उस टाइम हो नहीं पाता, पर लेके तो देखो कभी कभी ब्रेक ज़रूरी होता है यार। चैनल दिस साइड साक्षी तंजल और मैं रुकी थी पैलेट के साथ। पैलेट यहाँ पे वैगामन में बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट मी गाइस। एंड इसके जो रूम से मैंने आपसे सब शेयर कर दिया है लास्ट व्लॉग में, अभी मेरा जो रूम था वो 7000 का था, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। दैट वाज अ हनीमून कॉटेज वाला रूम। एंड सो बेसिकली पैलेट हिल व्यू रिजॉर्ट था मेरा। अब मैं जा रही हूँ, भैया आए थे ये देने यार, ये भैया ने पैकेट दिया है मुझको। एंड दिस इज़ नॉट द लॉन्ड्री बैग, मैंने कुछ पैक कराया है इसमें रास्ते के लिए। और मैं आपसे बाकी तो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुकी हूँ, आई होप आपको मेरा स्टे अच्छा लगा होगा। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो स्विमिंग पूल के साथ है, साइकिलिंग के साथ है, और एक बहुत प्यारे व्यू के साथ है। और मिस्ट फॉग तो आप देख ही चुके होंगे कितना खूबसूरत है। सो कल तो थोड़ी सी बारिश थी, बट आज भी बारिश है। हम जा रहे हैं कोची की तरफ, न्यू जगह पर, जहाँ पे बिल्कुल न्यू सफ़र स्टार्ट हो रहा है। कोची में आपको दिखाती हूँ, और 3.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से कोची का, तो चलते हैं। जो व्यू है ना, वो सारा का सारा टी गार्डन का व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा का पूरा टी गार्डन, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। फिर से पानी आ गया मेरे लेंस पे। गाइस ये है ट्रैवलर्स कैफे, और ये लिया है हमने मोड़, क्योंकि पहाड़ी एरिया है पूरा का पूरा। हाँ, कौन कहता है केरला में गर्मी है, केरला चिपचिपा है, केरला में पहाड़ियाँ नहीं है। यहाँ आके तो देखो गाइस, सब दिखेगा आपको, खूबसूरती है यार यहाँ पे बहुत। गाइस जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ केरला, लुक एट द व्यू। अगर मैं जा रही हूँ इस वक्त तो जैसे कि वैगामन से कोची की तरफ, तो व्यू बहुत ब्रेथ टेकिंग है यार। यहाँ की सड़कें अभी तक, मतलब यहाँ की सड़कें ऐसे जितना मेंटेन नहीं है, आगे क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत रहती है इस वजह से, नहीं तो पता है ये जगह देखो, मतलब मेरे मुंह पे ना हल्की हल्की इस वक्त बूंदे बौछार पड़ रही है बारिश की। ये बहुत प्यारा नज़ारा है। गाइस अगर आप चेक करोगे ना, तो इसमें पॉलीथीन्स बनी हुई है, और नीचे ना कटोरी, मतलब बड़े बड़े बाउल्स रखे हुए इन्होंने। बता सकते हो किस चीज़ का पेड़ है? मेरे हिसाब से तो ये ग्लू का पेड़ है, जहाँ पे ऐसा होता है, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है। बाकी आप मुझे एक बार कमेंट करके बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो मैं अभी भी रास्ते में, मेरा रास्ता 25 से 30 मिनट का बचा है, तो मैं रुकी हूँ यहाँ पे कैफे पे। मेरा व्यू कितना प्यारा है ना, यहाँ पे ब्रेक लेना तो बनता ही है। काफ़ी मुझे कॉस्ट करी है, 40 रुपीज़। यहाँ पे खाना इतना महंगा नहीं है केरला में, इफ़ यू विल रोम अराउंड ना, तो आपको खाना इतना महंगा नहीं लगेगा। बट थोड़ी सी R&D, मतलब रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ फाइनली रीचिंग रेड्स रेजिडेंसी होम स्टे, एंड इट टुक मी अराउंड 3 hours एग्जैक्टली टू रीच हियर। And this is the property, guys. My next property for like, I don't know, मैं कितना यहाँ पर stay करूँगी, but like, oh, I had a work for 2-3 days. So let's see. Nice, na? So that's the property, guys. Look at it. That's the balcony. That's the library. पूरा books and all. If you are interested in the books reading, यहाँ का सबसे best चीज़ पता है क्या है? यहाँ की सबसे best चीज़ है इनका breakfast. इनके पास जो ब्रेकफास्ट है ना, वो काफ़ी फेमस है। ये जगह बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए बहुत फेमस है। मेरे वाले शौक, और ये फ्रिज के, आप सही सोच रहे हो, ये फ्रिज का ढक्कन ही है, आई मीन फ्रिज का खो है, नाम सिंह ढक्कन, फ्रिज का गेट है। मुझे आजकल पता नहीं क्या हो गया, आजकल मैं वर्ड्स से बाहर हो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। दैट्स दी किचन, आई मीन फ्रिज, यहाँ पे किचन का सामान, नॉट किचन, यहाँ पे किचन का सामान। एंड दैट्स माय रूम फॉर टुनाइट। ओह माय गॉड, आई लव द वॉश। कमेंट करके बताओ गाइस, ये कोची में है, इसका मैं आपको प्राइस शेयर करती हूँ।
और इनके पास अभी दो स्टे और हैं। सो कमेंट करके बताओ कोई वाली प्रॉपर्टी मेरी कैसे लगी। ओह दिस इज फाइन इन ऑस्ट्रेलिया। जस्ट लुक एट दिस वन। लेट्स सी वॉशरूम, दिस इज द रूम। एंड ये जो रूम है ये बालकनी के साथ है यार। मलिसा इसका चार्ज क्या बताया आपने? 2000? 2800 रुपीज़ विदेशी। एंड देयर इज अ किचन। अच्छा, सो गाइस आपने सुनी लिया होगा, विदेशी विद अ किचन। ये बड़ा प्यारा है ना कमरा। एंड विद अ प्राइवेट बालकनी ऑल्सो, राइट। सो कोची में मुझे सबसे प्यारा स्टे लगा ये, सच बता रही हूँ। मैं कहीं गई नहीं अभी तक। आई जस्ट कॉल एंड जस्ट हैड अ वर्ड टू स्टे विद देम। 8 people, 9 people, and all they'll squeeze in. Okay, this is you know guys dormitory. अगर किसी ने stay करना है, so this is the place to get ready and keep your stuff. This is the washroom. Over there is toilet. Isn't this is amazing? और वैसे भी with the obviously balcony view. So guys, मैं आ चुकी हूँ fort area. Fort area Cochin का fort area है ये, यहाँ का बहुत famous area में से एक है। मेरे सामने है होटल पार्क एवेन्यू और लोफर्स कॉर्नर कैफे। आई एम प्रीटी हंग्री, सो पहले मैं कुछ खाऊंगी एंड देन आई विल शो यू दिस मार्केट। मेरे सामने बहुत सही सही पैंट्स हैं और ये मार्केट चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। और यहाँ पे ये सब कुछ है और मैं यहाँ पे ट्राई करने आया हूँ कुछ। ये सब स्टार्टिंग मैं पहुँच चुकी हूँ पहुंची, जैसा कि आप लोगों को पता है। आ फ्यू स्टोर्स, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे लग्जरी स्टोर्स काइंड ऑफ है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। एंड हियर इज़ द वन, यहाँ पे है ये ब्लॉक प्रिंट्स करके, और ये ब्लॉक प्रिंट सिखाते भी है। सो आई गॉट समथिंग फ्रॉम माई सेल्फ। एक्चुअली मैं इस स्ट्रीट पर आगे की तरफ जा रही हूँ फिलहाल, और ये प्रिंसेस स्ट्रीट कहलाती है यहाँ की। सो गाइस जिस स्ट्रीट पर मैं हूँ ना, यहाँ पर 5 किलोमीटर के अंदर के दायरे में सारा का सारा फोर्ट का एरिया है। कोच फोर्ट ही मेरे पीछे है, फोर्ट कोची। तो ये इसका एरिया माना जाता है बेसिकली। सब भैया, तो भैया हमें राइट पे लेके जा रहे हैं गाइस। चलो भैया लेके चलो, भैया हमें कहीं लेके जा रहे हैं। लेट्स एक्चुअली गो विद भैया। गवर्नमेंट की एक तरह से शॉप है और यहाँ से आप चीज़ें ले सकते हो गाइस। दे हैव अ ब्यूटीफुल थिंग्स टू बाय फॉर द होम एंड होम डेकोर। आदि योगी गाइस जो पढ़ता है ना वो आपका इधर पढ़ता है। अरे ट्रेडिशनल साड़ी, ट्रेडिशनल साड़ी आदि योगी पड़ता है आपका कोहिम बकटूर के पास। डू इट एक्चुअली लूज द वेट? नहीं, डू इट एक्चुअली? यस, ओके। स्वीट सिनेमन। एंड हाउ मच इज दिस पैकेट फॉर? 50 ग्राम 70 रुपीज। सो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग यू ऑलवेज हैव टू रिफिल। आप रिफिल के बिना ट्रैवल नहीं कर सकते। लेट्स गो बैक, इट्स ऑलरेडी डन विद द रिफिल। थैंक्स स्टिल माय हैड इन फेस इन पेन। खो गया मैं ख्यालों में, अब नींद भी नहीं आंखों में। गाइस पता है यहाँ पे हर चेयर ना बहुत, मतलब टेबल बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। ये सारे के सारे गरम मसाले हैं जो हम यूज़ करते हैं। हाँ, यू कैन गेस देम, आई एम प्रीटी श्योर। ये पुलाव में यूज़ होता है, ये सिनेमन सीड जो, मतलब वो बेसिकली पतले होने के लिए जो यहाँ पे बहुत फेमस है। ये बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, एंड यहाँ पे शेल्स हैं इस टेबल पे। बहुत खूबसूरत है यार। सो डिनर के लिए मिक्स सब्जी, चपाती
और उसके अलावा सैलेड था. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू डे आफ्टर टुमारो विद नेक्स्ट व्लॉग.